करते हैं, ये करा दो। ओके ये वाली स्टोरी सुननी है आपको। यस। क्या नाम है इसका स्टोरी का? मूर्ख गधा। मूर्ख गधा। ओके शेर सिंह अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। वह शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए काफ़ी दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन उसने सोचा कि एक ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे उसे घर बैठे प्रतिदिन भोजन मिल सके। उसने जानू नाम के एक सियार को घूमते देखा तो उसे अपने पास बुलाया। कहा, नमस्कार शेर खां। शेर खां ने कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना है। तुम्हें मेरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। वैसे तुम्हें मेरे भोजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जानू काफ़ी चालाक शियार था। उसने झट से कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है महाराज, मैं अभी जाकर आपके लिए भोजन लाता हूँ। पास ही जानू ने एक गधे को घास चरते देखा। वह गधे से बोला, श्रीमान हमारे राजा शेर खां आपको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। गधा हैरान रह गया। उसने पूछा, मैं क्यों? तुम मेहनती हो, बुद्धिमान हो और प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। जानू बोला, जैसे ही गधा तथा जानू शेर की मान में घुसे, शेर खां उस पर झपटा। गधा डरकर ढहचू ढहचू करता भाग गया। अब आपको पता चला कि गधे की आवाज़ क्या होती है? ढहचू ढहचू। ओके जानू ने शेर खां से कहा, महाराज आपने उसे डरा दिया, मैं उसे फिर से लाने की कोशिश करता हूँ। जानू ने जाकर फिर से गधे को शेर खां से मिलने के लिए फुसलाया। जैसे ही गधा फिर से मान में घुसा, शेर खां ने उसको दबोचकर मार दिया। जानू भी भूखा था। उसने शेर खां के हाथ मुंह धोकर आने शेर खां से मुंह हाथ धोकर आने को कहा। जैसे ही शेर खां गया, शियार ने गधे के सर में से उसका दिमाग निकाल कर खा लिया। लौटने पर शेर खां ने पूछा, मेरा शिकार किसने छुआ था? इस गधे का भेजा नहीं है। शियार ने चालाकी से उत्तर दिया, महाराज अगर गधे का दिमाग होता तो क्या वह दूसरी बार वापस आता? अब आप ये बताओ कि आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? मुझे ये शिक्षा मिलती है कि कभी बातों में नहीं आना, कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हाँ तो आप दोबारा से बोलना। हाँ मुझे ये शिक्षा मिलती है, मुझे ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके किसी की बातों में या किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, इसीलिए इस स्टोरी का नाम मूर्ख गधा रखा गया। बहुत मज़े आए। ओके अब नेक्स्ट स्टोरी कल देखेंगे। ओके अब सोते हैं।